जिनकी यहां संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सुना। ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। काली तिल, काली मिर्ची, सात लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पेनी चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रहे। महाराज, घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति। जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं। शमी की पत्ती देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोले जरा, देखिए पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए। यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त होगा। हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो। मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाने का, शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अभी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण। ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकलकर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार, बाबा को चंदन का लेपन, अभीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, तब शमी की पत्ती को मां जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वो मां जगत जननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र, जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, शिवाय नमस्तुभ्यम, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं हरियाणा साइड से आई हूं, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, मेरे को मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया, मत पिया, प्रैक्टिकल वाली बात है, शमी पत्र बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करना, जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, आप 7 दिन यहां रुके हुए हो, 5 दिन रुके हुए हो, या यहां से अपने घर जाओगे, निश्चित है
वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए कैसे भी आए तुम्हारे पास बहुत जरूर जाएगा, निश्चित है। और ये कहीं से भी कैसे किस रूप में आए कहां से आए क्या करे वो उसके ऊपर है, देगा। विश्वास लेकर आयो, भरोसा है, डरता है। उस बच्चे ने बोर्ड परीक्षा दी, परीक्षा देकर उसने नौकरी का लगाया, विद्युत विभाग में लगा। विद्युत विभाग में मेरे महादेव को हो सकता है, नहीं समझ आई होगी तो रेलवे में लगा। विश्वास भरोसा दृढ़ होना चाहिए। दो चीजें हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपना कर्म करना मत भूलो, मेहनत करना मत भूलो, और दूसरा महादेव पर विश्वास करना मत भूलो। ये शिव महापुराण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से अच्छी उपाय के बारे में जानिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें। इसी तरह बताए गए शिव महापुराण कथा के अंतर्गत उपायों के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।